करके दिखाओ हुला हूप। ये मुझे नहीं आता। करके तो दिखाओ एक बार। नहीं बैठ के भी होता है। अरे वो छोड़ दो, वो नहीं होगा, छोड़ दो। हाँ? नहीं होगा वो। ये हुआ क्या? कह रहे छिपकली के चलने से मिला। छिपकली कहाँ से? तुम्हारे लॉजिक ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सफाई डे टू। तो जी आज हो रही है हमारे किचन की पूरी क्लीनिंग, जो टाइल्स और ये सब हम लोग आज क्लीन कर रहे हैं मैं और दीदी, बल्कि आज ये आदमी कुछ नहीं कर रहा। तो अभी फटाफट पहले इसे क्लीन करते हैं, बाकी आज और बहुत काम है। क्या क्या काम करूँगी वो सब आपको धीरे धीरे गणपति प्रिपरेशन पार्ट टू में देखने को मिलेगा। तो अभी करती हूँ फटाफट इस ब्लॉग को स्टार्ट। आई होप कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगे। जैसे जैसे गणपति के आने का टाइम हो रहा है ना, इतना ज़्यादा काम है, मतलब एक काम ख़त्म हो रहा है और दूसरा लग रहा है, अरे यार वो भी अभी बाकी है। कल भी हम लोगों ने एक सेकंड फैन बंद कर दिया, तो कल भी हम लोगों ने ना पूरी क्लीनिंग की थी आकार के साथ मिलके, क्योंकि बहुत ऊंचे-ऊंचे हमारे दरवाजे हैं, जो पूरा उनको अच्छे से क्लीन करना था। और उतनी दूर ना तो मेरा हाथ जा रहा था ना ही दीदी का। आकार, मैं और दीदी तीनों मिलके पूरा घर के जितने भी दरवाजे हैं, उसके बाद कर्टन्स हैं, ये सब का काम हम लोगों ने कल किया था, धोना, पूरा क्लीन करना। उसके बाद जो थोड़े बहुत जाले जाले हो गए थे कहीं कहीं जगह, उन सबको क्लीन करना। आज हमारा जो काम है वो है किचन का, तो वही क्लीन हो रहा है। उसके बाद अभी तो डेकोरेशन का भी सारा सामान आके रखा है, बट डेकोरेशन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो आज वो सब भी करूँगी। पहले लग रहा था यार 10-15 दिन है, अभी आराम से हो जाएगा, एंड जैसे जैसे अब टाइम जा रहा है ना, 7 तारीख आ रही है, और ऐसा लग रहा है यार अभी वो काम भी बाकी, अभी तो ये भी करना है। हम धीरे धीरे, आई होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब काम अच्छे से हो जाए। आज पहले किचन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आज मैं करूँगी डेकोरेशन का पूरा अच्छे से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको डेकोरेट करने के लिए, मतलब मंडप पूरा जो रेडी होगा वो मैं खुद ही करने वाली हूँ, तो वो सारा सब कुछ भी आज करेंगे। कितना कर पाऊँगी पता नहीं, बट ट्राई करूँगी कि आज जो एजेंडा आज के दिन का बनाया उसको ज़रूर कम्प्लीट करूँ। तो ये वाला सेक्शन हम लोगों ने पूरा क्लीन कर दिया है, अभी बस थोड़ा सा नीचे का ये सारे ड्रॉर्स और ये सब बाकी है, ये हो जाएगा ना तो क्लीन पूरा हो जाएगा। ये वाले टाइल्स एंड ऑल सारा सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। ये कुछ दाग हैं, ये पता नहीं क्या ही है, बिल्कुल साफ़ है लेकिन ये किस चीज़ की वजह से हुआ ये खुद भी नहीं पता। इसके लिए आई थिंक मुझे कभी ना कभी या तो दिवाली के समय हम लोग अर्बन कंपनी को बुला लेंगे, सो दैट वो लोग ना अच्छे से इसे क्लीन कर पाएंगे। जितना मुझसे हो पाया मैंने वो सारा सब कुछ कम्प्लीट कर दिया है। अरे क्या हुआ, हो गया आज का? उठो अभी तो बहुत काम बाकी है। पूरा 2.5 घंटा लग गया। अरे माँ, एक तो ये देखो जादू का एंटीना, ये रहा, दिखाना अपना एंटीना, इससे मिलती है शक्ति। हालत खराब हो गई है, बस अभी नहाते हैं, सब फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या करना है, बट हालत खराब हो गई है। और ये आज एकदम मेरी हेल्प नहीं किया है, मैंने तो कल सारा काम कर दिया ना। इतना एक तो ये जिम पे भी हमको लेके जा रहा है, इस वजह से मेरे पूरा हर जगह दर्द है। 6 hours later। तो जी सुबह से हो गई है शाम, एंड बीच में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, बिल्कुल भी, मतलब एक मिनट भी मैं बैठी भी नहीं हूँ,
कुछ ना कुछ काम में मैं इतना ज्यादा बिजी हो गई ना कि मैं बिल्कुल भी ब्लॉग कर ही नहीं पाई। फिर मैं और आकाश शाम को थोड़ी देर के लिए निकल भी गए थे और उसके वजह से भी बहुत देर हो गई। खैर अभी शाम हो गई है, इवन रात होने वाली है। अब मैं जाने वाली हूँ थोड़ा बहुत डेकोरेट करने, क्योंकि आज मुझे ये कम्प्लीट करना ही है, अदरवाइज ना सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्योंकि कल सुबह हम लोगों को निकलना है, क्योंकि हम लोग जाएंगे जहाँ पे पूजा के लिए जो फूल और ये सब का ऑर्डर देने, तो इस वजह से ना, और गणपति सेलेक्ट करने, क्योंकि यहाँ पे गुड़गांव पे हर जगह गणपति मिलते तो हैं, बट एक होता है ना कि अपने मन वाले जो गणपति है ना, वो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मैं एक दो दिन पहले जाके देख आऊंगी कि कहाँ है, कौन सा मुझे ऑर्डर करना है, वो सब एक बार कल जाके मैं और आका देख आएंगे। तो आज मुझे ये काम करना ही था, एंड जिसकी वजह से देखो मैंने ना यहाँ पे सब कुछ सामान रखा हुआ है। इवन ये दोपहर से मैं ला के रखी हूँ सारी चीजें, अच्छे से आपको दिखा भी पाऊंगी कि मैं कैसे डेकोरेशन कर रही हूँ, और मेरी हेल्प करेंगे ये, इसको मैंने पकड़ा है कि भाई आप थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर देना। ठीक है, स्टार्ट करें पार्टनर, चलो। तो डेकोरेशन के लिए ना मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें तो मैंने लास्ट ईयर ही खरीद लिया था, बट इस साल भी मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो खरीदी हैं, जैसे ये फ्लावर्स हो गए, उसके बाद ये हुला हूप हो गया। तो इस बार ये करके दिखाओ हुला हूप, ये मुझे नहीं आता, करके तो दिखाओ एक बार, नहीं बैठ के भी होता है। तो ये हो गया, उसके बाद बैकग्राउंड के लिए एक और स्टैंड है हमारे पास। तो सबसे पहले ना मुझे इसको डेकोरेट करना है, क्योंकि ये गणपति के जो पीछे एरिया पे है वो कवर करेगा, तो इसे सबसे पहले डेकोरेट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीजें करेंगे। तो इसको जो डेकोरेशन के लिए ना बहुत सारी चीजें दिमाग में है कि मैं कैसे करूं, नेट पे भी बहुत सारी चीजें देखी। फिर मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया है कि मैं क्यों ना थोड़ा सा अलग करूं। तुम एक काम करो, ये ना अपना ये पिटारा जरा पलटा दो, यहाँ सब कुछ देखो, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये देखो तो आज ना मैं जो सबसे पहले इसको डेकोरेट करूंगी ना, वो है ये वाले जो मनी प्लांट, जो आर्टिफिशियल मनी प्लांट है, इससे। और ये पुराना बंधन द्वार, ये ना बहुत सुंदर लगने वाला है। मैं इसे कैसे सेट करूंगी वो तो आप धीरे धीरे देख ही लोगे। बाकी मेरे इस पिटारे में ना बहुत कुछ है, ये देखो, इसमें ना ये वाले हैं पूरे, ठीक है, वो जो ऊपर लटक रही है थोड़ी बहुत, हाँ ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यूज कर लिया था, ये है। उसके बाद ये है, ये जो होते हैं, ठीक है, गेंदे की जो माला टाइप की होती है। अच्छा ठीक है पूरा मत निकालो, बहुत कुछ ये रुको, बहुत कुछ है। तो अभी तो उस घर में और रखा हुआ है, उस कमरे में, घर में क्या होगा, हाँ तो वो भी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। A few moments later. तो ये ग्लू गन मैं लेकर तो आई हूँ, बट सच बताओ तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी यूज ही नहीं किया, तो ये कहाँ लगता है आपको पता है? कोशिश कर सकते हैं, पता तो खैर नहीं है, यूट्यूब करना पड़ेगा वरना। तो फाइनली समझ में आ गया कि इसे करना क्या है, हम वही, मुझे नहीं समझ में आया था कि किधर साइड से इसको उसमें लगाना पड़ेगा, बट मैं एक्सटेंशन लगा दे रहा हूं वहां से बैठ के, तुम कहां आ रहे हो? हां थैंक यू। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी ना, इस हुला हूप को मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने मनी प्लांट का ये बेल, इसे मैं ना कुछ इस तरह से पूरे में कवर कर दूंगी। बंधन द्वार है, तो मैं इसे ही इस पर डेकोरेशन करने के लिए यूज करूंगी। इसके लिए मुझे आकार की हेल्प चाहिए होगी।
पूरा नहीं, इसी वजह से मैंने इसे थ्रेड से अच्छे से बांध दिया। अब मैं जो नेक्स्ट करने वाली हूँ वो है ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है इन्हें मैं पूरे होला हुप में अच्छे से लगा दूंगी। एंड इसके लिए ना मैंने ट्राई किया कि मैं ग्लू गन से इसे करूँ, बट वो बिल्कुल अच्छे से ना चिपक नहीं रहा है, आई डोंट नो क्यों। तो इसकी वजह से मैंने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है और वो है डबल साइडेड टेप लगा के, जिससे ना ये वाला जो फ्लावर है वो अच्छे से सिक्योर हो गया। तो इस वजह से मैं इसे ही यूज़ करूँगी और पूरे होला हुप को इन फ्लावर से कवर कर दूँगी। अच्छा लग रहा है। दूर हो गया क्या? नहीं अब सही है, पहले दूर था अब सही है। नाइस, गुड जॉब। ये काम नहीं करना है, ये ऑफिस करे, काम करे। तो जी ये कुछ इस तरह से बन के हो गया है रेडी, हमें तो अच्छा लग रहा है। आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। आई नो थोड़ा सा अलग है बट हाँ बन के अच्छा लग रहा है। अभी तो खैर इसका बैकग्राउंड भी बनना बाकी है बट हाँ ये जरूर रेडी है। अवार्ड मिलेगा तुम्हें इसके लिए। हो गया। तो वही अब सीन ये है कि टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, रात के 1 देखो 12:30 हो रहा है और आधे घंटे में ये लड़की खिसियाने वाली है। तो सीन ये है कि इसको रखते हैं साइड, अभी करते हैं आराम, मेरा तो ऑफिस है, मैं तो ऑफिस करूँगा, ये करेगी आराम। अब आपसे मिलते हैं कल, कल हम यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे सजाएंगे, ये सोफ़ा वोफा सब हटाएंगे, पूरे घर का नक्शा चेंज हो जाएगा। अभी अगर किया तो ये खिसियाना शुरू कर देगी और सारा गुस्सा निकलेगा किसके ऊपर, ये जो कैमरे के पीछे बैठा है उसके ऊपर। तो इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो इसको सुला देना ही सही है। ठीक है, मेरा सच में दिमाग खराब हो गया, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो मिलते हैं कल सुबह, बाय। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तेज बारिश में बहुत तेज बारिश है यार, क्या करें? खोलो छाता तो खोलो। ये क्या स्टाइल है छाता खोलने का? छोड़ो ऑटो, छोड़ो सुनता नहीं है ना। वाओ छाता का भी हालत मेरी तरह हो गई है, उलट गई है। अरे इतनी बारिश में निकलना जरूरी था क्या? जरूरी तो नहीं था बट हाँ हम निकल गए हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलो 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 जल्दी। कौन है? दो इधर आओ ना। ये मैनेजर है और वो पीछे टीममेट आ रहा है। ये मैनेजर, अरे बाप रे मैनेजर ज्यादा आ रहा, कहाँ है टीममेट? बारिश तो यार अलग लेवल की आज हो रही है, ऐसा लग रहा है क्या ही हो गया, तूफान आ गया है। बाहर की हालत देखो, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं की ये हालत है। खैर कर कुछ नहीं सकते, टाइम बहुत कम है तो इसी में मैनेज करना पड़ेगा और यही रीज़न है कि हम लोग सुबह सुबह निकल गए। आई नो कि मेरा अभी भी डेकोरेशन का काम अभी भी बाकी है, वो मैं घर जाके फिर करूँगी। तो सीन ये है कि
अभी जो फूल माला और ये सब का प्राइस है ना, इतना ज्यादा महंगा है ना कि क्या ही बोलूं। एटलीस्ट गुड़गांव में तो बहुत महंगा है, इतना ज्यादा। मतलब एक माला हम लोगों ने कहा मोगरे के साथ और गुलाब के साथ, थोड़ा सा एक अच्छा माला जो भगवान जी को मैं पहनाऊंगी, वो 600 रुपए का बोल रहे। फिर भी बहुत ज्यादा बड़ी माला नहीं होगी ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े गणपति तो आते नहीं है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग थोड़ी छोटी बोल रही थी। फिर भी वो 600-650 तो खैर अभी हम लोग यहाँ पे अभी उसको ना थोड़ा सा हम लोगों ने होल्ड कर दिया है कि यार थोड़ा रुक जाते, देखते एक दो और को जो सोसाइटी में हमारे यहाँ वहाँ पे आते हैं फूल देने, उनसे हम लोगों ने फोन में बात की, तो वो कल सुबह आएगा तो उससे एक बार बात कर लेंगे। अभी हम लोग आए हैं थोड़ा सा सफायर मॉल गणपति देखने, अगर कोई अच्छे गणपति हमें लग गए तो उन्हें बुक कर देंगे और कल या परसों आकर उन्हें फिर ले जाएंगे अपने घर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आज नहीं लूंगी ना तो कल परसों में सारे खत्म होने लगते हैं, सब लोग बुकिंग कर देते हैं तो स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है। आज एक बार चेकआउट कर लेते हैं, हालांकि बाहर भी बहुत सारे हैं जो गणपति लेकर बैठे हैं, बट हमें इको फ्रेंडली वाले चाहिए और अभी बारिश हो रही तो उन्होंने सब कुछ कवर करके भी रखा तो वो भी हम लोग नहीं देख पाए, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे मॉल में एक बार ढूंढ लेते हैं, अगर कोई अच्छा लगेगा तो उसे बुक भी जरूर कर देंगे। ये सारे भैया इको फ्रेंडली हैं, ये भी वो भी सब कुछ। मुझे ये वाले बहुत पसंद थे लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये 11,000 की है। इनमें कोई वायर नहीं होता। तो ये सारे गणपति थे, वो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, सभी इतना खूबसूरत लग रहे हैं, बट हम लोगों ने ले लिया है हमारे गणपति एंड सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड अच्छा हुआ कि मैं आज आ भी गई यहाँ पे ना, इन्होंने ये देखो लिख भी दिया कि 100% इको फ्रेंडली है और ये सिर्फ आधे घंटे में पूरे अच्छे से मतलब पूरा इनका विसर्जन अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हमें घर में ही विसर्जित करना है तो हमें ये बहुत ज़रूरी था कि प्रॉपर मिट्टी के ही गणपति हों। तो हमारे गणपति हो गए फाइनल, बहुत बड़ा काम हो गया यार सच में। तो यहाँ पे हम लोग पैक करके भी रख दे रहे हैं, अभी फ्राइडे को आकर अभी भी ले जाएंगे गणपति पप्पा मोर यार। तो खैर अभी चलते हैं यहाँ से, हो गया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, ये देखो सभी अच्छे हैं, बट वही है कि जो आंख में भाग गया तो शायद वो वाले गणपति को हमारे घर आना था तो बस हमने कर दिया। गणपति तो हमें और भी जगह मिल जाते, बाहर भी मिल जाते, लेकिन सबसे जो मेन रीज़न है यहाँ से लेने का वो है आपका ना इको फ्रेंडली। लास्ट टाइम हम लोगों ने बाहर जो ये रोड साइड जो बैठते हैं ये मिट्टी का सामान लेके, ये लोग ना कहते तो हैं इको फ्रेंडली बट फिर वो इको फ्रेंडली था नहीं, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हमने घर पे ही किया था बट वो ठीक से अच्छे से हो ही नहीं रहे, तो हमें फिर ना वो विसर्जन करने जाना पड़ा, तो इसीलिए ये अच्छा हुआ कि आज हमारे गणपति फाइनल हो गए। बचता है वो डेकोरेशन का, वो तो कल रात से चल रहा है, तो अभी घर जाके डेकोरेशन करेंगे। Later that same evening. तरी मार्केट से आके लंच करके मस्त एक घंटा सो के अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना अधूरा वो काम करने जो लास्ट नाइट से स्टार्ट हुआ है, यानी मेरा डेकोरेशन वाला काम। इतना लेट हो गया ना कि मैं क्या ही बोलूँ। खैर अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ना मुझे ये सोफा यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो मेरा असिस्टेंट आ गया है मुझे हेल्प करने। हुआ से बनाया था वो बेसिकली आसन के पीछे वहां पे रहेगा, तो
इसे अभी पहले सेट कर दिया, फिर इसे करेंगे डेकोरेट। चलो आओ पार्टनर। अच्छा ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये कैसे लगेगा बीच में, ये वाला दिखा दो। तो ये है, कुछ ऑर्डर किया था, ये कितना अच्छा लग रहा है यार, सही में बहुत ब्यूटीफुल। तो ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है, लग रहा है यार। ये फूल पत्तियां तो बहुत है हमारे पास। ठीक है देखो, हाँ अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे भी ज्यादा करने फिर बहुत जबर जबर हो जाएगा। हाँ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ा जितना प्लेन सिंपल रहता है ना तुम्हारा, तो वो हुला वो भी काफी वो है, तो बीच में ना वो सही लगेगा। ज्यादा डार्क कलर करोगी ना तो उसमें फिर सब मर्ज हो जाएगा। तो फिलहाल जो मेरे पास छोटे से गन्नू भैया है, मैंने उनको रख दिया सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसा लग रहा है। अभी तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेकोरेशन की, जो मैं यहाँ पे दिया और ये सब रखूँगी, तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे मैं सेट करूँगी, लेकिन अभी 2-3 दिन बाकी हैं। तो बेसिक सा सेटअप मैंने कर लिया है, आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगे। अभी ये बेसिक है, अभी इसमें लाइट्स लगेंगी, ये हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आज है वेडनेसडे, तो अभी हमारे पास थर्सडे है, फ्राइडे है, हमारे पास 2 दिन है इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। अभी से कंप्लीट कर देंगे तो सही नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ सफाई वफाई सारी चीज़ें होंगी, तो फ्राइडे को इसको हम फाइनल टच दे देंगे, और फ्राइडे को तो हम गणपति भी ले आएंगे जो हमने आज जाके बुक कर लिया है। तो ये सब सारी चीजें आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आने वाले व्लॉग्स मस्त होने वाले हैं, आई प्रॉमिस, क्योंकि बहुत कुछ है जो इस व्लॉग में या इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। फिलहाल करती हूँ मैं इस व्लॉग को यही एंड। आई होप कि आप सबको मेरा ये डेकोरेशन और ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो सो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, तो सब में ढेर सारी खुशियाँ बांटिए। बाय।